जोहार नमस्कार। जैसा कि यह जग जाहिर है कि भाजपा के चुने हुए सांसदों ने तो अपने जमीर को अपनी हुकूमत के आगे नीलाम और गुलाम कर दिया है, कारण यही है कि वह जनता की हक और हुकूक की आवाज उठाने के बजाय वही बातें बोलते हैं जो उनका हुकूमत उनसे बुलवाना चाहता है। कारण यही है, वजह यही है कि अब भाजपा सरकार, मोदी सरकार लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में विपक्ष के उन सांसदों की जो अपने जनता के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही जिम्मेदार हैं और अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके आवाज को दबाने और कुचलने का प्रयास हो रहा है, जिसका नतीजा है कि 12-12 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। मैं राज्यसभा स्पीकर, मैं मोदी सरकार को यह चुनौती देता हूं कि यदि आप में यथाशक्ति है, यदि आप में वह कुवत है, तो आप भाजपा का वह गृह राज्य मंत्री टेनी को बर्खास्त करके दिखाएं, जिसके सुपुत्र ने मजबूर और निसंदेह किसानों पर बड़े ही हैवानियत से जीप चढ़ाकर उनकी जाने ले ली। आपको बर्खास्त करना ही है तो 42% उन दागी मंत्रियों को बर्खास्त करें, मोदी मंत्रिमंडल के उन 42% सांसदों को बर्खास्त करें जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, संगीन अपराधों में। मैं फिर से एक बार चुनौती देता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में यदि ऐसे दागी लोग बैठ रहे हैं और एक तरफ आप विपक्ष के आवाज को कुचल रहे हैं, तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। जनता इसका जवाब आपको जरूर देगी। जय हिंद, जय भारत।